कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये सिर्फ एक गाने की लाइन नहीं है, ये देश के सपनों को सच कर दिखाने वाले करोड़ों दिलों की धड़कन महेंद्र सिंह धोनी का इमोशन है। अपने सबसे पसंदीदा गाने की इन्हीं लाइनों से उन्होंने बता दिया कि कल मुझसे बेहतर कोई खिलाड़ी आएगा और आपसे बेहतर कोई फैंस आएंगे। जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, इसी मैसेज के साथ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। क्रिकेट को जीने वाले उनके इस फैसले के पीछे कितना दर्द छिपा होगा, ये या तो वही जानते होंगे या उनकी पत्नी। अभी कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि धोनी जब तक दूसरे खिलाड़ियों से तेज दौड़ेंगे, क्रिकेट खेलते रहेंगे, लेकिन फिर अचानक लिए इस फैसले से उनके फैंस जहां उदास हैं, वहीं माही की पत्नी साक्षी धोनी ने भी कहा, आपने अपने पैशन को अलविदा कहते हुए आंसुओं को रोका होगा। जिंदगी की पिच पर धोनी के पार्टनर साक्षी धोनी ने इंस्टाग्राम पर बेहद ही भावुक पोस्ट लिखते हुए कहा, आपने जो कुछ भी हासिल किया उस पर आपको गर्व होना चाहिए। खेल को अपना बेस्ट देने के लिए आपको बधाई। मुझे आपकी उपलब्धियों पर और आप जिस तरह के इंसान हैं उस पर गर्व है। मुझे पता है आपने अपने पैशन को गुड बाय कहते हुए आंसुओं को रोका होगा। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इसके अलावा साक्षी ने मशहूर अमेरिकी पोएट माया एंजेलो का एक कोट भी धोनी के लिए शेयर किया। उन्होंने लिखा, लोग भूल जाएंगे आपने क्या कहा, लोग भूल जाएंगे आपने क्या किया, लेकिन लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा एहसास कराया। साक्षी धोनी ने इस पोस्ट के साथ महेंद्र सिंह धोनी की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वो ढलती शाम को ऐसे निहार रहे हैं जैसे वो उनका ढलता क्रिकेट करियर हो। जैसे वो गाना है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। कहते हैं तस्वीरें खुद में हजारों शब्द होती हैं। धोनी की इस तस्वीर में भी अपने पैशन को अलविदा कहने का दर्द नजर आ रहा है। उन्होंने संन्यास का फैसला लेकर करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया है। ये फैसला तो धोनी को एक ना एक दिन लेना ही था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि साल 2011 में लोगों की आंखों में खुशी के आंसू लाने वाला ये शख्स साल 2019 में खुद आंखों में दर्द भरे आंसू लेकर पवेलियन लौट जाएगा और फिर विदाई मैच खेले बिना ही 22 गज के रंगमंच पर से इस तरह विदा ले लेगा। वीरेंद्र सहवाग ने सच ही कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी मिशन इम्पॉसिबल की तरह है। धोनी के जैसा ना कोई है ना कोई होगा। क्रिकेट की दुनिया में तमाम खिलाड़ी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन माही जैसा शांत आदमी कहीं नहीं मिलेगा। धोनी के संन्यास पर उनके पूर्व कोच चंचल भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। एमएस, आप पल दो पल के शायर नहीं, पल दो पल आपकी जवानी नहीं, न पल दो पल आपकी हस्ती है, न पल दो पल आपकी जवानी है, आप पल दो पल के शायर नहीं। आप भी उस पल का हिस्सा थे, आप भी इस पल का हिस्सा है। मशरूफ जमाना आपके लिए अपना वक्त सजाएगा। आप पल दो पल के शायर नहीं, पल दो पल आपकी कहानी नहीं, न पल दो पल आपकी हस्ती है, न पल दो पल आपकी जवानी है, आप हर एक पल के शायर हैं। आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी वॉज नॉट ओनली अ गुड बैट्समैन और वेरी सक्सेसफुल कैप्टन। आई थिंक इफ लुक एट हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस, ही वॉज एन ऑलराउंडर, फ्रॉम अ विकेट कीपर टू अ बैट्समैन फॉर अ वेरी सक्सेसफुल कैप्टन एज वेल। I think he has given, contributed a lot towards the Indian cricket. I wish him good luck for his future endeavors. His fans will miss him, but I think it's the time to give opportunity to the young players to come and play for Team India. Suresh Raina ne bhi aaj hi sanyas liya hai. Unhone bhi bahut contribution apni aur se Bharatiya cricket ke liye ki hai. To Mahendra Singh Dhoni aur Suresh Raina dono ko hi sanyas lene par aur क्रिकेट से संन्यास लिया हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, लेकिन भविष्य में वो कुछ भी करना चाहें उसके लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने बीसीसीआई से अपील किया है कि महेंद्र सिंह धोनी का एक फेयरवेल मैच रांची में करवाया जाए।
इस पे आपका क्या? बहुत ही अच्छा उनका जो सोच है बहुत ही अच्छा है, और एक बार फिर इस तरह से हम उनको बधाई देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी वो राज्य के मुखिया तो है ही हैं और खेल मंत्री भी हैं, तो जिनके कारण ये जो डिसीजन है उनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है, और मैं चाहूँगा बीसीसीआई भी इस पर अमल करे और रांची में जेसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक मैच हो जिसमें एक बार फिर रांची को या झारखंड के लोगों को धोनी को उत्साह बढ़े। और मैं एक बार इसके अतिरिक्त एक बधाई देना चाहूँगा कि पहली बार राज्य के मुखिया और खेल मंत्री श्री हेमंत सोरेन जी राज्य में खेल नीति लागू करने जा रहे हैं, उनके लिए वो बधाई के पात्र हैं।